सीबीआई विवाद में सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला निरस्त कर दिया है, लेकिन आलोक वर्मा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। ये फैसला अब सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा। सेलेक्ट कमेटी अब आगे का फैसला लेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई विवाद में सरकार को झटका लगा है। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला जो है वो निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया। इस फैसले के साथ ही साफ हो गया है कि आलोक वर्मा सीबीआई के चीफ बने रहेंगे। तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में काफी समय से चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया है। काफी लंबे समय से आपको बता दें कि ये गहमा गहमी चल रही थी। इस फैसले के साथ ही ये साफ हो गया है कि आलोक वर्मा सीबीआई के चीफ बने रहेंगे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का कोई अधिकार नहीं है। इंद्रसेन यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। इंद्रसेन, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? अशिका देखिए, बता दो जिस तरह से 23 अक्टूबर को जो सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा थे और राकेश अस्थाना, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद 23 अक्टूबर को इन दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया था और आलोक वर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और पिछले काफी लंबे समय से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था अशिका, लेकिन आज कहीं ना कहीं आलोक वर्मा के लिए एक राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो आलोक वर्मा के पक्ष में आया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो आलोक वर्मा है वो सीबीआई के निदेशक बने रहेंगे। हालांकि राकेश अस्थाना ने भी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई हुई है, हालांकि अभी उस पर सुनवाई होना बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो आलोक वर्मा है वो सीबीआई के निदेशक बने रहेंगे, लेकिन कोई अभी बहुत बड़ा और अहम फैसला आलोक वर्मा नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पिछले टाइम समय से पूरा जो मामला था लटका हुआ था, क्योंकि इन दोनों को ही राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा ने एक दूसरे के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसके बाद से ही इनको छुट्टी पर भेज दिया गया था और पूरा मामला एक कोर्ट में चला गया था। इंद्रसेन, एक बात और कही गई है कोर्ट की तरफ से कि अधिकार सरकार के पास नहीं होते हैं, सिर्फ सेलेक्ट कमेटी के पास अधिकार होते हैं। जी इंद्रसेन, चलिए लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें इंद्रसेन यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियां दे रहे थे। सीबीआई विवाद में सरकार की हार हुई है, तगड़ा झटका लगा है सरकार को। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में काफी समय से चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है। इज अ विक्ट्री फॉर इंस्टीट्यूशनल integrity. I think that the court has stood up for the independence of institutions, and it had insulated the CBI director by giving him a fixed 2-year term. Any interference with that can be done only by the committee. That is the ruling today. I think it's a great day for institutions in this country. वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, कहा है कि बीजेपी सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। संस्था में काम करने वाले व्यक्ति को जो हटाया गया इसीलिए कि उनकी बात वो नहीं मान रहे थे और राफेल के फाइल्स उनके सामने छानबीन करने के लिए पड़े हुए थे या उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, ऐसा हमको इतला मिली है। तो उस संशय के आधार पर और अपने को चाहने वाले जो जॉइंट डायरेक्टर थे या एडिशनल डायरेक्टर थे उनको जगह बनाने के लिए इन्होंने कोशिश की।